हेलो पीपल आर वेरी बॉम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस सो स्टूडेंट आज आपका लेक्चर ट्वेंटी फाइव है और आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे इसे प्रीवियस सेशन में स्टूडेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पर्सनल प्रोनाउन एक्सरसाइजिंग रिफ्लेक्सिव डिस्ट्रीब्यूटिव इन डेफिनेट ठीक है इन सारे प्रोनाउंस के बारे में आई एव ऑलरेडी डिस्कस्ट विद यू ऑल और आज हम न्यू प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन क्यों ये प्रोनाउन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रोनाउन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट क्रिएट करती है ओके okay. होता क्या है हमें समझ नहीं आता है कौन से सेंटेंस में आपको हु यूज़ करना है होम यूज़ करना है दैट और विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है कौन से सेंटेंस में हमें दैट यूज़ करना है विच यूज़ करना है दैट इज़ वाई स्टूडेंट हर एक प्रोनाउन मैंने आपके लिए सेग्रीगेट कर दी है और मैं आपको हर एक लेक्चर में इन प्रोनाउंस को इन डिटेल इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी सो so दैट इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव प्रोनाउन ना रहे ओके okay? तो आइए स्टार्ट करते हैं सो स्टूडेंट बेसिकली हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते क्यों है पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होता है वाई वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया है कि द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ प्रोनाउन इज़ टू अवॉइड द रेपूटेशन ऑफ अ नाउन मैंने आपसे कहा है कि पहला पर्पस जो प्राइमरी पर्पस है जो मुख्य पर्पस है प्रोनाउन का वो ये है कि नाउन के रेपूटेशन को रोका जा सके राइट right, पीपल तो हम रिलेटिव प्रोनाउन आज के सेंटेंसेस में समझेंगे कैसे आप ये दो सेंटेंसेस देखिए पहला सेंटेंस है आई मेट हरी हरी हैड जस्ट रिटर्न मैं हरी से मिला था हरी अभी वापस आया था ठीक है आपने देखा हमने हरी की इंफॉर्मेशन देने के लिए दो सेंटेंसेस यूज़ करे आई मेट हरी हरी हैड जस्ट रिटर्न ठीक है सब्जेक्ट तो सिर्फ़ एक ही है ना हमने बोला कि मैं हरी से मिला था हरी अभी वापस आया था तो सब्जेक्ट तो एक ही है ना हम एक ही सब्जेक्ट दैट इज हरी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न ठीक है आपने देखा ना हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु की मदद से इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया राइट पीपल सो आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटन तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से क्या करा दो सेंटेंसेस को कम्बाइन करा साथ में जो आपका नाउन का रिपिटिशन हो रहा था उसे हमने अवॉइड करा जैसे आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिस इज़ दार्बर वी सॉ हिम यस्टे यह वो बारबर है जिसे हमने कल देखा था तो यहाँ पर स्टूडेंट दिस इज द बार्बर और बाबर के लिए हमने यहाँ पर हिम यूज़ करा है जो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है राइट right, पीपल ही हेम हिज हिज हमने पर्सनल प्रोनाउन में बात करी है सो वी सॉ हेम येस्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना दिस इज़ द बार्बर वी सो हेम येस्ट तो ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट हमारा एक ही है ना यहाँ हमारा सब्जेक्ट तो एक ही था ना लेकिन यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए मैंने बोला यहाँ सब्जेक्ट तो एक ही था ना और यहाँ ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं दिस इज़ द बार्बर This is the barber whom ठीक है whom we saw yesterday. This is the barber whom we saw yesterday. या हमने whom का use करा आपने देखा इस sentence में हमने use करा था who का क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट तो एक था ना और यहाँ हमने यूज़ करा whom का क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना सो so स्टूडेंट अब आप समझेंगे कि कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है हु और होम में देखिए आपकी हम दो प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं एक है हु और एक है स्टूडेंट हु सबसे पहली बात आपकी दोनों प्रोनाउंस स्टूडेंट ह्यूमंस के लिए आती हैं आप इन्हें एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं करोगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करोगे इन्फेंट्स या फिर चाइल्ड होते हैं इनके लिए भी आप यूज़ नहीं करोगे आप हु और होम हमेशा सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज़ करोगे पर्सनस के लिए यूज़ करोगे पीपल के लिए यूज़ करोगे ओके फर्स्ट पॉइंट सेकेंड आप सेंटेंस में तब यूज़ करोगे जब बात हो रही होगी सब्जेक्ट की ओके okay? आप सेंटेंस में हु तब यूज़ करोगे जब बात हो रही होगी सब्जेक्ट की और आप हुम कब यूज़ करोगे जब बात हो रही होगी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की नोट no, डाउन कर लेना कि हु हम तब सेंटेंस में यूज़ करते हैं जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और हुम हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ सी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि मैं हु यूज़ करूँ या फिर हुम यूज़ करूँ तो आप रिप्लेस करके देखना हु को ही से और हु को हिम से ठीक है जैसे मैं इस वाले सेंटेंस को लेती हूँ आई मेट हरी हरी हैड जस्ट रिटर्न तो मैंने इसमें आपको बताया था कि आई मेट हरी हैड जस्ट रिटर्न ठीक है आई मैट हरी हैड जस्ट रिटर्न तो आपने देखा who had just returned, एक क्लॉज है इसमें मैंने आपको बताया ना फ्रेज और क्लॉज में कि क्लॉज में क्या होता है इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है तो आई मेट हरी had जस्ट रिटर्न तो आपने क्वेश्चन पूछा हु हैड जस्ट रिटर्न हरी हैज रिटर्न अब हरी को रिप्लेस करके ही लगाओ ही हैज रिटर्न तो आपने देखा कि who had just returned का आंसर आपको मिला ही हैज़ यस्ट रिटर्न तो आपने यहाँ पे क्या यूज करा था स्टूडेंट आपने यहाँ पर यूज करा था हु ठीक है सिमिलरली दिस इज दार्बर वी सॉ हिम येस्ट डे को मैंने बताया आपने कैसे लिखा दिस इज द बारबर होम वी सॉ येस्ट डे तो अब आप पूछो होम वी सॉ येस्ट डे वी सॉ हिम येस्ट डे ठीक है आंसर दो होम वी सॉ येस्ट डे वी सो हिम येस्ट डे आप ये तो कहोगे नहीं ना वी सो ही येस्ट डे वर्क के बाद आपका सब्जेक्ट तो आएगा नहीं सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं ऑब्जेक्ट आएगा ना आपका हिम आएगा ना वी सॉ हिम यस्टरडे सो दैट इज वाई स्टूडेंट अगर आपको हु और होम में कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह से रिप्लेस करके देखना अगर आंसर ही में आता है तो आप हु यूज़ करोगे अगर आंसर हिम में आता है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है तो आप यू आप हु यूज़ करोगे यही एक रीज़न है कि हु को हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं और हुम को हम स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं ये तो थी आपकी ट्रिक जो मैंने आपको की एक्सप्लेन ठीक है एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैंने आपको बताया आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं आय मेट हरी हुट जस्ट रिटन राइट मैंने आपको बताया आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं आय मैट हरी हु हैड जस्ट रिटन सो ट्रिक बताई अब आप कैसे समझो एक तो आप ट्रिक से समझो और फिर आप इसका एक्चुअल मीनिंग भी समझो कि क्यों हमने हु यूज करा सी आय मैट हरी ड जर्स रिटर्न तो यहाँ हमने हु स्टूडेंट यूज़ करा है आपके सब्जेक्ट के लिए कि मैं हरी से मिला था जो अभी वापस आया है हुड जर्स रिटर्न हरी हु हैड जर्स रिटर्न तो यहाँ पर हम हरी के बारे में बात कर रहे हैं राइट पीपल यहाँ हम जो क्लॉज यूज़ करा है हमने वो हरी के लिए ही यूज़ करा है कि हरी हैड जस्ट रिटर्न ठीक है तो हम अगर बाद वाले क्लॉज में जो आपका ये क्लॉज है अगर हम इस बाद वाले क्लॉज में जो इसके पहले जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ कहते हैं तो आपका हु आता है ठीक है क्योंकि यहाँ ये आपका एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और इसी के बारे में हम कह रहे हैं कि आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न ओके जैसे आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिस इज दार्बर मैंने आपको बताया होम वी सो यस्ट डे ठीक है दिस इज दर्बर होम वी सो यस्ट डे ये वो बार्बर है जिसे हमने कल देखा था जिसे हमने कल देखा था होम वी saw येस्टडे तो यहाँ पर स्टूडेंट बार बार आपका एक ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है होम वी सॉ yesterday. जिसे हमने कल देखा था यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा है ठीक है यहाँ आपका सब्जेक्ट काम कर रहा था कि वो वापस आया था ठीक है ना लेकिन यहाँ आपका सब जो आपका अगर आप इसे सब्जेक्ट मानते हो बार बार को तो यहाँ पर वो कुछ काम नहीं कर है यहाँ हमने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि दिस इज द बारबर होम वी येस्टरडे कि ये वो बारबर है जिसे हमने कल देखा था तो यहाँ पर बार बार आपका कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में स्टूडेंट हरी आया है आई मेट हरी हैड जस्ट रिटर्न तो यहाँ हरी आया है हरी ने आने का कार्य करा है ठीक है तभी आपका हरी एक सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपका बार बार एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बार बार आपका अगले क्लॉज में वी सॉ हिम येस्टरडे में कुछ कर नहीं रहा है हम हम यहाँ पे एडिशनल इन्फॉमेसन दे रहे हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि हमने उसे कल देखा था ये वही बारबर है जिसे हमने कल देखा था तो बारबर कोई काम नहीं कर रहा है हम एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ बारबर कोई भी काम नहीं कर रहा है राइट पीपल आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी आप इस तरह से भी हु और हुम का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप ट्रिक के बेसिस पर भी स्टूडेंट उसका यूज़ कर सकते हैं ओके पीपल चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में जिससे हम समझेंगे कि हु और हुम हमें कैसे यूज़ करना है जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए कि हरी सो द मैन डैश हैड बीन हर्ड आप मेरा आंसर देखने से पहले वीडियो को पॉज करके इन सारे सेंटेंसेस को सोल्व करो ठीक है इन सारे सेंटेंसेस को पहले सॉल्व करो और फिर आप देखो कि मैंने आपको क्या आंसर बताया है ठीक है सो so, आप पहले सॉल्व करना उसके बाद आप मैच करना कि मैंने आपको क्या आंसर बताया तो अब हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं हरी सो द मैन डैश हैड बी हर्ट ठीक है वेट सेक्स स्टूडेंट ओके हरी सो द मैन डैश हैड बी हर्ट अब यहाँ पर स्टूडेंट हम हु यूज करेंगे या फिर हुम यूज करेंगे देखिए हरी सो द मैन डैश हैड बीन हर्ड तो यहाँ पर स्टूडेंट हम हु करेंगे क्यों क्योंकि अगले क्लॉज में भी हम बात मैन की ही कर रहे हैं हु हैड बीन हर्ड ठीक है अगले क्लॉज में भी हम बात मैन की ही कर रहे हैं दैट इज़ वाई हम यहाँ पर हु यूज करेंगे ट्रिक से समझो हु हैड बीन हर्ड ही हैड बीन हर्ड मैन की जगह ही यूज़ करके देखो हु हैड बीन हर्ड

डैश आर क्रूअल मैं उन चिल्ड्रंस को हेट करता हूँ चिल्ड्रन्स नहीं होता है चिल्ड्रंस मुँह से निकल रहा है लेकिन चिल्ड्रन होता है क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है ओके आई हेट चिल्ड्रन डैश आर क्रूअल मैं उन चिल्ड्रन को हेट करता हूँ जो क्रूअल हैं ठीक है जो क्रूअल हैं तो यहाँ हम चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम होम तो यूज़ नहीं करेंगे हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट हम हु यूज़ करेंगे हु आर क्रूअल चिल्ड्रेन आर क्रूअल आपको आंसर मिल रहा है ना एक सब्जेक्ट का है कि चिल्ड्रन आर क्रूअल तो चिल्ड्रन आपका यहाँ पर एक एज सब्जेक्ट यूज हुआ है सिमिलरली हरी सो द मैन हु हैड बीन हर्ड हु हैड बीन हर्ड द मैन तो मैन यहाँ पे आपका एज एक सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो जब आपने हु हैड बीन हर्ड का आंसर करा तब भी आपको एक सब्जेक्ट ही आंसर में मिला सिमिलरली आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूअल तो जब आपने आंसर करा तब भी आपको एक सब्जेक्ट चिल्ड्रन ही मिला नेक्स्ट देखते हैं दिस इज द जगलर डैश वी सॉ यस्ट डे ये वो जगलर है जिसे हमने कल देखा था तो हुम वी सॉ यस्ट डे होम वी सॉ यस्ट डे वी सॉ हिम येस्ट डे दिस इज द जगलर होम वी सॉ येस टूडे वी सो हूम या फिर होम वी सो वी सो हेम ठीक है वी सो द जगलर तो यहाँ जगलर स्टूडेंट आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है यूज दैट इज वाई हम यहाँ पर होम यूज करेंगे हु यूज नहीं करेंगे ओके okay, नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस इज द बॉय डैश ऑल प्रेज यह वह लड़का है जिसे सब प्रेस करते हैं जिसकी सब तारीफ करते हैं सो दिस इज द बॉय डैश ऑल प्रेज तो हुम ऑल प्रेज ठीक है हुम ऑल प्रेज यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे हु ऑल प्रेज यहां पर आपका बॉय स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह है पूछ के देखो हुम ऑल प्रेज ऑल प्रेज हेम ठीक है ऑल प्रेज हेम हम ये थोड़ी कहेंगे ऑल प्रेज ही हम कहते हैं ऑल प्रेज हिम ठीक है सो दिस इज द बॉय हू ऑल प्रेज ना कि हु ऑल प्रेज ठीक है सेकेंडली स्टूडेंट होम ऑल प्रेज ये जो क्लॉज है ये यहाँ पर आपका बॉय के लिए कुछ नहीं बता रहा है कि बॉय ने क्या कार्य करा या बॉय के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लॉज में नहीं मिल रही है ये आपको टोटली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है बॉय के रिस्पेक्ट में ही मिल रही है लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि बॉय ने कुछ काम करा है या फिर बॉय के द्वारा कुछ किया गया है ऐसा कुछ नहीं है राइट पीपल सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर होम यूज करेंगे ना कि हु नेक्स्ट देखिए आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच मेरा एक बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपका आएगा हुम हुम आई लव वेरी मच ओके हुम यू लव आई लव माई सन आई लव हिम तो यहाँ पर आपने जब होम का आंसर दिया तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही आंसर मिला आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी ओके okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की पोजिशन के बारे में ओके okay. देखिए अगर कभी भी आप रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे आप हमेशा ध्यान रखिए आप उसे प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज़ करेंगे जो भी उसके एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होता है एंटीसीडेंट का मतलब है जो सब्जेक्ट उससे पहले आता है उसके करीब आप रखेंगे उसके नियर बाय आप उसे प्लेस करेंगे जैसे आप इस सेंटेंस से समझिए आई हैव रेड गोखलेस स्पीच हु वॉज़ अ डिसाइपल ऑफ रनाडे मैंने गोखले की स्पीचेस पढ़ी है जो रनाडे का डिसाइपल था जो रनाडे का शिष्य था अब यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुई है वो है हमारी हु ठीक है अब हो से पहले जो आपका सब्जेक्ट आया है वो है स्पीचेस। अब स्पीचेस मैंने आपसे बोला है हु और हुआ पर्सन के लिए यूज़ करते हो तो स्पीचेस के लिए तो आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस स्टूडेंट करेक्ट तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है आप इसको ये नहीं कहेंगे कि आई हैव रीड गोखले स्पीचेस हु वॉज़ अ डिसाइपल ऑफ़ रना ओके okay. इंस्टेड आप इसे बोलेंगे आई हैव रीड स्पीचेस ऑफ गोखले आप इसको कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे आई हैव रीड स्पीचेस ऑफ गोखले ठीक है उसके बाद आपका पूरा सेम आ जाएगा यहाँ से हु वॉज अ डिसाइपल ऑफ रनाडे तो अब आपने देखा ना कि आप का हु फिर एक नाउन के लिए यूज़ हुआ एक ह्यूमन के लिए यूज़ हुआ कि हु वॉज़ अ डिसाइपल ऑफ रनाडे कि यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन जो है जो एक एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है उसके लिए यूज़ करा ओके सो आई हैव रीड आई हैव रेड स्पीचेस ऑफ़ गोखले हु वॉज़ अ डिसाइपल ऑफ़ रनाडे तो आपको पोजिशन पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को गलत जगह प्लेस करते हैं तो जो कॉन्टेक्स्ट निकल कर आता है ना स्टूडेंट वो गलत निकल कर आता है ठीक है जैसे आपने इसी सेंटेंस में देखा आई हैव रेड गोखले स्पीचेस हु वाज अ डिसाइपल ऑफ रनाटी अब इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते समय तो हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतना सामने वाला भी ध्यान नहीं देगा और कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि वो गोखले की स्पीचेस के बारे में बात कर रहा है और जो रनाडे के डिसाइपल थे लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश तो हमें थोड़ा फॉर्मली साउंड करना पड़ता है हमें ग्रामर के रूल्स सही से यूज़ करने पड़ते हैं तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे आई हैव रेड गोखले स्पीचेज़ क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन है वो आती है एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के हिसाब से जो उसके आगे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आती है ठीक है ना तो आपका स्पीचेस तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि हु और हुम हम ह्यूमस के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ वाई स्टूडेंट हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देना भी बहुत ज़रूरी है कि आई हैव रेड स्पीच ऑफ गोखले हु वॉज़ अ डिसाइपल ऑफ रनाडे नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट हम देखते हैं कि दिस इज़ द बॉय इज़ द सन ऑफ़ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज़ अब आप ये सेंटेंस देखिए कि द बॉय इज़ द सन ये इफ़ नहीं है ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ़ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज़ अब जब मैंने इसे इनफॉर्मली बोला तो समझ में आ जाएगा कि ये जो लड़का है ये मेरे फ्रेंड मिस्टर जोशी का बेटा है जिसे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है ठीक है इनफॉर्मल इंग्लिश में सही साउंड कर रहा है लेकिन वेन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश तब हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना ज़रूरी है अब अगर हम स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो यहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है किसके लिए मिस्टर जोशी जो उसके आगे सब्जेक्ट है एंटीसीडेंट मिस्टर जोशी ठीक है तो मिस्टर जोशी और जो क्लॉज आता है स्टूडेंट जो आपका क्लॉज आता है वो हमेशा आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट है उसके लिए आता है राइट सो द बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज अब मिस्टर जोशी ने प्राइज़ थोड़ी जीता है मिस्टर जोशी के बेटे ने प्राइज़ जीता है दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये सेंटेंस गलत तरह से स्ट्रक्चर है आप बोलेंगे द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज़ फिर आपका आएगा इज़ द सन ऑफ माय फ्रेंड कॉमा मिस्टर जोशी ठीक है द द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ द सन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर जोशी तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं द मैन वॉज हैंसम हो वी सो यस्ट डे वो मैन हैंसम है जिसे हमने कल देखा था द मैन वॉज हैंसम होम वी सॉ येस्ट डे अब यहाँ पर स्टूडेंट होम आपका यूज हुआ हैसम के लिए अब हैंसम तो आपका एक एड्रैक्टिव है ठीक है हैंसम तो आपका एक एडजैक्टिव है तो हम यहाँ पर होम एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे ठीक है एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि होम अगर सेंटेंस में आता है तो जो आपका एंटीसीडेंट जो नाउन आती है वो आपकी एज एन ऑब्जेक्ट आती है तो ये सेंटेंस गलत तरह से स्ट्रक्चर है आप बोलेंगे द मैन होम वी सॉ येस्ट वाज वॉज हैंसम द मैन होम वी सॉ येस्ट वॉज ठीक है तो यहाँ हम रेलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट जो एंटीसीडेंट आपका सब्जेक्ट यूज़ हुआ है जो नाउन यूज़ हुई है उसके रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं दैट इज़ वाई ये रेलेटिव प्रोनाउन कहलाती है तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में रखते हैं तो आप हमेशा उसे सब्जेक्ट के क्लोज रखेंगे ठीक है जिसके बारे में बात हो रही है ठीक है उस सब्जेक्ट के क्लोज रखेंगे क्योंकि आप वहाँ पे रिलेशन दिखाने का काम कर रहे हैं ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट कहने का मतलब है कि वर्ब आप कैसे यूज करेंगे ठीक है जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए द बॉय हु डैश लेजी वॉज पनिश अब आपने देखा यहाँ पर जो आपका हु है स्टूडेंट वो बॉय के लिए यूज़ हुआ है राइट right? बॉय के लिए यूज हुआ है तो बॉय आपका कैसा है बॉय आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मैंने आपको बताया है कि वर्ड बी सिंगुलर होगी यू विल यूज अ सिंगुलर वर्ब दैट इज़ वाई आप यहाँ क्या यूज करेंगे आप यहाँ पर वॉज यूज़ करेंगे द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड ठीक है तो जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही आपका वर्ब और वर्ब कैसे आप डिफाइन करेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसके बेसिस पर आपकी वर्ब आएगी ठीक है नेक्स्ट देखिए द बॉयज हु डैश लेजी वर पनिस्ड अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है तो जब प्लूरल हो गया है तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे वर्ब ठीक है क्योंकि बॉस क्या है आपका एक सिंगलर वर्ब है और वर् क्या है आपकी एक प्लूरल वर्ब द बॉयज़ वर लेजी वर पनिश्ड नेक्स्ट देखिए इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम अब यहाँ पर आप क्या वर्ब यूज़ करेंगे देखिए आई के साथ हम इज़ नहीं यूज़ करेंगे ठीक है हैज़ नहीं यूज़ करेंगे हैव नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट आई के साथ आएगा एम ठीक है इट इज़ आई एम टू ब्लेम अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है ठीक है अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है पास्ट टेंस में होगा तो तो आप बोलोगे इट वॉज़ आई हु वॉस टू ब्लेम ठीक है इट वॉज़ आई हु वॉन्स टू ब्लेम लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो जब भी प्रेजेंट सिनारियों की हम बात करेंगे तो आय के साथ आपका एम आएगा ओके आय के साथ आपका एम आएगा ओके सेकेंडली मैंने आपको बताया है इट के साथ आप कभी भी अगर सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं बेसिकली तो वो आपकी सब्जेक्टिव केस की आती है आप ये नहीं बोलेंगे इट इज़ मी आप ये बोलेंगे इट इज़ आई मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इट इज़ आई एम टू ब्लेम नेक्स्ट हम बात करते हैं ही हुटेट इज़ लॉस्ट जो हैजिटेट करता है वो हार जाता है ठीक है वो लूज कर ही देता है तो यहाँ पर स्टूडेंट हैज़िटेट आपकी एक वर्ब है अब जिन्हें वर्ब के बारे में पता नहीं है प्रोनाउन के बाद हम वो भी यूज़ करेंगे ठीक है देखिए एक एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन क्या है कि जब आप नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब आप एस जोड़ते हैं ठीक है लेकिन वर्ब में उल्टा है जब आप वर्ब में एस लगाते हैं ठीक है तब स्टूडेंट वो सिंगुलर बनती है जैसे प्ले प्ले आपकी क्या है एक प्लूरल वर्ब है लेकिन प्लेज आपकी एक सिंगुलर वर्ब है ठीक है सिमिलरली ही हुट इज लॉस्ड अब एक गो में जैसे वर्ब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी वो उसे सही बता देगा ठीक है लेकिन नहीं यहाँ पे स्टूडेंट आएगा हेजीटेट्स हैजिटेट्स इज लॉस्ट ठीक है ही हुटेट्स इज लॉस्ट तो यहाँ पर हम हैजिटेट के साथ एस यूज करेंगे सिमिलरली दे नेवर फेल हु डाइज इन अ ग्रेट कॉज दे नेवर फेल हु डाइज इन अ ग्रेट कॉज अब यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो सब्जेक्ट है वो है दे ठीक है दे नेवर फेल हु डाइज इन अ ग्रेट कॉज तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो डाइज यूज़ हुआ है वो गलत यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डाई ना कि डाइज क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो वो डाई होगा क्योंकि उल्टा होता है वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु स्पीक द ट्रूथ अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है क्योंकि हु से पहले स्टूडेंट आपका क्या है बॉयज़ ठीक है और बॉयज़ कैसा है आपका प्लूरल सो दैट इज वाई आपका स्पीक भी कैसा आया प्लूरल सो वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ तो ये सेंटेंस भी गलत है वो सॉरी सही है द मैन हु डैश ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड देखिए द मैन हु डैश ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये अब आपने देखा आपके इस सेंटेंस में स्टूडेंट दो वर्ब आएंगी बेसिकली क्योंकि यहाँ पर भी आप एक वर्ब ही यूज़ करेंगे ठीक है क्या वर्ब यूज़ करेंगे इज़ यूज़ करेंगे ठीक है आप यहाँ पर स्टूडेंट इज़ वर्ब को यूज़ करेंगे द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड क्योंकि स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट क्या थे आपके सब्जेक्ट दो थे अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँ द मैन इज़ ट्रस्टेड हु इज़ ऑनेस्ट उस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है जो ऑनेस्ट है ठीक है उस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है जो ऑनेस्ट है मतलब हम उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं जो ऑनेस्ट uh, है तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके दो सब्जेक्ट हैं तभी तो आपकी दो वर्ब भी आएंगी द मैन इज़ ट्रस्टेड तो इसके लिए आपकी एक वर्ब आ गई इज़ ट्रस्टेड हु इज़ ऑनेस्ट हु इज़ ऑनेस्ट आप हु आर यूज़ नहीं करोगे हु आर यूज़ नहीं करोगे क्योंकि इसके एंटीसीडेंट जो सब्जेक्ट है वो मैन है मैन आपका कैसा है मैन आपका सिंगुलर है दैट इज़ वाई आपका इज़ आएगा आर नहीं आएगा ओके पीपल सो आई होप स्टूडेंट आपको रेलिटिव प्रोनाउन हु और होम अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा अगर क्लियर हुआ हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ओके okay, ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट एक चीज़ मुझे और याद आई है ये एक डाउट था Uh, एक स्टूडेंट ने पूछा था मैम टेगोर द पोएट्स हाउस ये वाला रूल शी डिड नॉट अंडरस्टैंड तो मैं आपको ये वाला रूल फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ सी मैंने आपको बताया था अगर दो आ, आपके सब्जेक्ट एपोजिशन में होते हैं एपोजिशन का मतलब होता है कि वो दोनों सब्जेक्ट एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो अगर आपको तब पोजेशन शो करना है ठीक है तो आप अपोस्ट्रॉफी बात वाले सब्जेक्ट में लगाएंगे ठीक है जैसे टेगोर द पोएट्स हाउस अब यहाँ पे हम टेगोर की बात कर रहे हैं जो एक पोएट भी हैं ठीक है तो टैगोर द पोएट्स हाउस तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो पोजेसिव केस है वो कौन सा बनेगा पोएट टेगोर द पोएट्स हाउस आप जो अपोसट्रॉफी लगाएंगे वो पोएट में लगाएंगे तो कहने का मतलब है कि जब आपके दो सब्जेक्ट अपोजिशन में होते हैं कहने का मतलब है कि एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं तब आप अपोसट्रॉफी जब लगाते हैं तो बाद वाले में लगाते हैं अगर वहाँ पर किसी पोजेसिव केस की बात हो रही है कोई ओनरशिप की बात हो रही है ठीक है कुछ बिलोंगिंगनेस दिखानी है तब आप उसमें जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसमें यूज़ करेंगे क्योंकि टेगोर भी एक ही है और पोएट भी वही है तो हम पोएट में यूज़ करेंगे सिमिलरली द किटन वॉज द लिटिल बॉय जेम्स बेस्ट फ्रेंड वो जो किटन है किटन क्या बिल्ली का जो बच्चा है वॉज़ द लिटिल बॉय जेम्स बेस्ट फ्रेंड अब यहाँ पर हमने जेम्स की बात की है और जेम्स क्या है एक लिटिल बॉय है ठीक है एक लिटिल बॉय है तो ये भी स्टूडेंट आपकी नाउन है और ये भी आपकी नाउन है ये आपकी कॉमन नाउन है ये आपकी प्रॉपर नाउन है तो सब्जेक्ट आपके दो हैं ठीक है ना और जो लिटिल है स्टूडेंट ये आपका एक एडजेक्टिव है जो बॉय के लिए यूज़ हुआ बॉय कौन जेम्स द लिटिल बॉय जेम्स तो यहाँ पर जो बात वाला सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट जो बात वाला क्योंकि बात तो हम एक ही पर्सन की कर रहे हैं ना जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो लिटिल बॉय जेम्स ही है ना सो दैट इज़ वाई जब दो सब्जेक्ट अपोजिशन में होते हैं और तब हमें अगर पोजैशन uh, दिखाना है पोजेसिव केस का यूज़ करना है तब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कब करेंगे बाद वाले सब्जेक्ट में द किटन वॉज द लिटिल बॉय जेम्स बेस्ट फ्रेंड अब यहाँ पर हम किटन का पोजेशन दिखा रहे हैं लिटिल बॉय जेम्स के साथ द किटन वॉज द लिटिल बॉय जेम्स बेस्ट फ्रेंड ओके आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी थैंक यू सो मच